साजिश पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी की इन दोनों काफी चर्चा है। सुदीप्तो सेन के निर्देशन वाली द केरला स्टोरी की विवादों के बाद बॉक्स ऑफिस पर बंपर शुरुआत भी हुई। वहीं द केरला स्टोरी को लेकर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा का बयान भी सामने आया है। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि द केरला स्टोरी में वास्तव में यथार्थ को चरितार्थ किया गया है। आज के समय में जितने भी षड्यंत्र हो सकते हैं वैसा घिनौना षड्यंत्र द केरला स्टोरी में बताए गए हैं। उन्होंने कहा कि सांसद ने फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को बधाई दी है। हम सबका सौभाग्य है कि भोपाल को नित नई सौगातें मिल रही हैं। रेलवे की तरफ से तो अद्भुत रानी कमलापति, उसके बाद ये भोपाल स्टेशन जो है वो इसका रिनोवेशन जो हुआ 20 करोड़ से हुआ और 380 करोड़ तक पहुंचेगा। अभी ये एक नंबर स्टेशन का रिनोवेशन हुआ है, अद्भुत लगने लगा, बड़ा ही सुंदर। भोपाल की पहचान एकदम नई होती चली जा रही है।